जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में आपको बताएंगे, जिससे संसार की सारी खुशियां आपके पास हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं शास्त्र अनुसार धर्म क्रम की ये बातें। ये कुछ ऐसे कार्य जो आपको जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से जरूर करने चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि विशेष दिन, समय और स्थान पर किया गया दान, भजन, भंडार और उपाय का प्रभाव भी विशेष और बहुगुणा होता है। सनातन विज्ञान में चार रात्रियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। माना जाता है कि यदि आप अपना कोई भी कार्य हल करना चाहते हैं, तो इन चार रातों को कोई भी उपाय करके उसके बहुगुणा प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। और ये चार रात्रियां कौन कौन सी कही गई है, तो दोस्तों ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये विशेष जो चार रात्रियां हैं, पहली है काल रात्रि, जिसे नरक चतुर्दशी यानी दीपावली से पहले जो रात्रि आती है यानी दीपावली की रात्रि, दूसरी है अहो रात्रि यानी शिव रात्रि, और तीसरी है दोस्तों होली की रात्रि, दारुण रात्रि, और चौथी जो रात्रि है वो है मोह रात्रि यानी कि जन्माष्टमी की रात्रि। यह जन्माष्टमी श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्ध रात्रि के समय मथुरा नगरी में हुआ था। इस वर्ष जन्माष्टमी का त्योहार व्रत और पूजा का दिन 19 अगस्त शुक्रवार 2022 ही रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ बिल्कुल भ्रम की स्थिति में ना रहिएगा। 19 अगस्त 2022 शुक्रवार के दिन ही श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के पर्व को मनाया जाएगा। और दोस्तों, लड्डू गोपाल की पूजा में हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाए जाने का विधान है, और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। ब्रज वासियों के लिए तो आज भी वे छोटे से लड्डू गोपाल ही हैं, वे कभी बड़े हुए ही नहीं हैं, और उन्हीं की तर्ज पर चलते हुए बहुत सारे कृष्ण भक्त अपने घर में बाल गोपाल को रखते हैं। उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं, वहाँ कभी कोई समस्या अपने पाँव नहीं पसार सकती। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, तभी तो सबरी के झूठे बेर विदुर जी की पत्नी से छिलके और सुदामा के कंदन प्रेम पूर्वक खा गए। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन करने पर जीवन में कोई भी समस्या शेष नहीं रहती है। ब्रह्म दैवर्त पुराण की मान्यता के अनुसार नंद लला के पूजन में आपको ये कुछ चीजें जो हम बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार, ये अवश्य ही शामिल करनी चाहिए, जैसे कि आसन, झूला, पाद्य, मोर पंख से बना हुआ पंखा, पंचामृत, अनुलेपन, आचमनीय, स्नानीय, फूल, धनिये का भोग, धूप और दीप, और ये सभी सामग्रियां बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बैठी मुद्रा में रखना शुभ होता है। श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप खड़ी मुद्रा में भी रखा जा सकता है। और अब बात आती है भगवान को किस भोग को लगाकर उन्हें जल्दी प्रसन्न करें। तो दोस्तों, भोग में अपनी इच्छा के अनुसार जो भी घर में बच्चों को पसंद होता है, वैसे ही शुद्ध चीजें आप भगवान के भोग में अर्पण कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, माखन, मिश्री और तुलसी अवश्य ही आप भोग में शामिल कीजिएगा। पंचामृत बनाइएगा भगवान का, तुलसी दल उनके अर्पण कीजिएगा और माखन मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको 56 भोग भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का स्वरूप घर में स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि उनकी पीठ दिखाई ना दे, स्वरूप को या तो कपड़े से ढक दे या फिर दीवार के साथ लगा दे। और वैसे तो मंदिर में केवल एक ही भगवान का स्वरूप स्थापित होना चाहिए, एक निष्ठ होकर की गई भक्ति ही
उत्तम फल देती है। आमतौर पर घर में बहुत सारे देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है। वास्तु के अनुसार एक भगवान के दो स्वरूप आसपास या आमने सामने रखने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अपने घर के मंदिर में एक ही भगवान या एक ही देवता की दो मूर्तियां आमने सामने बिल्कुल कभी मत रखिएगा। इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आपके मंदिर में वास करने लगती है। अपने घर के मंदिर में साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखिएगा और भगवान की श्रद्धा और भक्ति भावना से पूजा कीजिएगा। और दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात्रि है वो आपके जीवन के अंधेरों को दूर करके नए उजाले लाने वाली होती है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बस इस मंत्र का आप जप करते रहिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी हाथों हाथ पूर्ण होती आपको नजर आएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप इस जानकारी से, इन उपायों से अपने वर्ग को फलदायी बनाइए, अपने जीवन को, अपने सौभाग्य को सुख समृद्धिवान बनाइए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। अगेन आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।